हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। काफ़ी टाइम से कोई एजुकेशनल वीडियो मैं नहीं डाल पाई हूँ। एक्चुअली आई वाज बिज़ी इन सम अदर स्टफ़, दो आई कीप पोस्टिंग ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माय ब्लॉग्स। आज मैंने सोचा कुछ टॉपिक, बहुत बर्निंग टॉपिक जिसको कहते हैं, वो चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसको लेकर कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली हम आए दिन मीडिया में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, या वेस्टर्न मीडिया हमें दिखा रहा है कि आज रशिया ने यूक्रेन के इस पार्ट पे अटैक किया, कल उस पार्ट पे अटैक किया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को मीडिया के द्वारा रात दिन हमें दिखाया जा रहा है। तो देखिए, अगर हम इस चीज़ को एनालाइज़ करें तो हमें ये दिखता है, या जो भी पास्ट हिस्ट्री रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, वहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देखिए, रशिया ये सब जो भी कुछ कर रहा है, ये केवल अपनी जो बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए कर रहा है। कई लोग मेरी बातों पे एग्री ना हो, लेकिन अगर आप इस चीज़ को डीपली एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि जस्ट फॉर सिक्योरिंग इट्स बॉर्डर, रशिया इज़ अटैकिंग द यूक्रेन। देखिए, आज से 30 साल पहले रशिया और यूक्रेन, ये दोनों कंट्रीज़ एक ही हुआ करते थे, ठीक है। ये यूक्रेन जो है वो रशिया का ही पार्ट हुआ करता था। देखिए, यहाँ पर जो मसला है वो ये है कि रशिया यूक्रेन पे आज की डेट में क्यों अटैक कर रहा है। ये अटैक रशिया पहले भी कर सकता था, क्योंकि यूक्रेन को एक तरीके से सपोर्ट मिल रहा है USA का और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ का, ठीक है। तो जिसमें USA क्या कर रहा है, एक तरीके से जो यूक्रेन है उसके अंदर अपनी सैन्य बल को बढ़ा रहा है, आर्टिलरीज़ को बढ़ा रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि जो रशिया है उसको ये इनसिक्योरिटी है कि कहीं ऐसा ना हो कि USA यूक्रेन को कब्जे में लेकर रशिया के ही जो बॉर्डर्स हैं उनमें एक तरीके से ख़तरा पैदा करें। तो यहाँ पर जो मेन लड़ाई है, जो मेन डिफरेंसेस है, वो रशिया और यूक्रेन के बीच में ना हो के वो रशिया और USA और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में हम मान सकते हैं। यूक्रेन के कंधे पर रख कर बंदूक चलाना चाहता है USA। USA की स्थिति वही है जैसे कि हमारे यहाँ पर जब इंडिया और पाकिस्तान जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट है USA का, जिसके कारण हम आज भी अपना जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं एक थ्रेटनिंग सिचुएशन ये हमारे लिए है। तो उसी तरीके से यूक्रेन को भी USA का सपोर्ट मिल रहा है, और कहीं USA अपने आप को इतना पावरफुल ना कर ले कि वो कल को रशिया के लिए ही ख़तरा बन जाए। इसीलिए आज ये जो अटैक हो रहे हैं ये बेसिकली रशिया के द्वारा किए जा रहे हैं अपनी मदरलैंड को सिक्योर करने के लिए। और ये आज के समय में हर एक व्यक्ति चाहता है कि जो उसकी मदरलैंड है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। जो भी कंट्रीज़ अलग इंडिपेंडेंट होती हैं उनको ये थ्योरी अपनानी चाहिए कि वो किसी के साथ अलाइनमेंट ना करे। यूक्रेन को भी, जो कि एक स्मॉल कंट्री है, उसको ये थ्योरी अपना लेनी चाहिए कि वो किसी भी तरीके, जैसे बोल रहे हैं कि US का जो संगठन है नाटो, उसके साथ उसे नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, देखिए यूक्रेन इतना छोटा देश है, उसको या तो USA ही टेक ओवर कर सकता है या फिर रशिया ही टेक ओवर कर सकता है। तो दोनों ही हाल में उसको टेक ओवर होना ही है, या तो USA के द्वारा या फिर रशिया के द्वारा। तो कहीं से भी उसकी जो इंडिपेंडेंस स्टेटस है, जो सॉवरन स्टेटस है, वो केवल एक खाना पूर्ति ही है, ठीक है। सॉवरन, क्योंकि इसको जो पुतिन है उन्होंने भी कहा है कि यूक्रेन इज़ जस्ट द पपेट ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पर एक यूक्रेन जो इतना छोटा देश है वो किसी भी तरीके से सॉवरन तो रह ही नहीं पाएगा जब तक USA है, अदर यूरोप, USA के साथ अदर यूरोपियन कंट्रीज़ का सपोर्ट है। तो यहाँ पर जो मेन युद्ध है वो है रशिया और USA के बीच में, वो है रशिया और USA के नाटो के बीच में। तो इसीलिए यूक्रेन तो जस्ट एक कठपुतली है जिसको कि दोनों देश अपने हाथों में नचा रहे हैं।
दूसरी बात, यहाँ पर इस बात को इतना हाइप दिया जा रहा है कि सेव यूक्रेन, सेव यूक्रेनियन पीपल। तो देखिए, यहाँ पर ना जो कंसर्न आप यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों के लिए रखते हैं, तो वही कंसर्न क्यों नहीं आपने कल जब सीरिया पे आईएसआईएस का अटैक हुआ था, ईरान पे हुआ, कुछ पार्ट में इराक पे हुआ, या अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो अभी कब्ज़ा हो गया, क्यों नहीं आपने वहाँ के लिए ये इंसानियत रखी? आप क्यों यूक्रेन को ही इतना हाइप दे रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं रशिया के अगेंस्ट में एक स्ट्रैटेजी वेस्टर्न मीडिया के द्वारा ही बनाई गई है, जिसको कि हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए। और देखिए, मैं यूक्रेन रशिया की हिस्ट्री जब देख रही थी, दोनों देशों के जो लोग थे उनका कल्चर भी पहले सेम था। आज भी कई यूक्रेनियंस कहते हैं कि हमें रशियन बोलने दिया जाए, हमें रशियन पहनावा करने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आज भी यूक्रेन के जो लोग हैं वो रशियन फिलॉसफी या रशियन कल्चर को अपनाते हैं। तो ये जो थ्योरी है कि रशिया यूक्रेन का दुश्मन है, ये बिल्कुल गलत है। रशिया ने हमेशा ही यूक्रेन की हेल्प की है, उसको फाइनेंशियली उभारने में उसकी हेल्प करी, जो डेट्स थे, जो उधार थे यूक्रेन के, वो रशिया ने क्लियर किए हैं। लेकिन बदले में जो यूक्रेन है उसने कहीं ना कहीं रशिया को बिट्रे किया है, ठीक है? तो जिसके कारण एक तरीके से सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रशिया के अंदर है। तो इससे पहले कि यूक्रेन को आके यूएस कब्ज़ा कर ले, रशिया अपनी टेरिटरी को सिक्योर करना चाहता है। अगर यूक्रेन को यूएस कब्ज़ा कर लेता है, अगर वो नाटो का मेंबर बन जाता है, तो ये कहीं ना कहीं रशिया के लिए खतरे की स्थिति पैदा कर सकता है। दूसरी बात, हम ये भी देख रहे हैं कि कई कंट्रीज़ जो हैं इस पे सैंक्शन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यूएस ने भी देखिए कुछ किया नहीं अभी तक यूक्रेन को सेव करने के लिए। सैंक्शन से देखिए कुछ नहीं होता है, ठीक है? सैंक्शन इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी। आप को बल्कि नुकसान ही होगा अगर आप रशिया पे सैंक्शन लगाते हैं। तो कई चीज़ें हैं जो रशिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, तो आपको ही नुकसान होगा। तो क्या रशिया को ये बात नहीं पता होगी? रशिया को ये बात बिल्कुल पता होगी। तो इसीलिए ये सैंक्शन केवल एक खाना पूर्ति है। और आज भी आप देख लीजिए, अमेरिका किसी भी प्रकार की यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा। अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो केवल बातों के धनी हैं, केवल बोलते ही हैं। तो आज तक उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं उठाया, अभी तक उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं उठाया यूक्रेन को सेव करने के लिए। तो इस तरीके से हमें अभी एनालाइज करने की ज़रूरत है। हम लोगों को, जो हमारे इंडियंस, जो हमारे भारतीय भाई बहन यूक्रेन में फंसे हैं, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें उनको वहाँ से इवैक्यूएट करना ज़रूरी है। लेकिन हमें रशिया ये कदम क्यों उठा रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जस्ट ये वीडियो बस एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। होप यू विल फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, एंड let's meet in another video. Till then, keep studying. Thank you so much.